हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है वो बजट से रिलेटेड है, यानी कि मंथली बजट प्लानिंग से रिलेटेड है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि मैम आप 20,000 सैलरी वालों के लिए बजट प्लानिंग करके दें, तो मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से बजट प्लानिंग कर पाऊँ। इसमें आपकी सेविंग भी हो जाए और आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाए। तो मैंने सिर्फ एक कोशिश की है छोटी सी, और क्योंकि लास्ट जो मेरी बजट की वीडियो थी उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे, जो कि मैंने 10,000 सैलरी वालों के लिए बजट प्लानिंग की थी, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी जो लोग भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो मैं ये रिक्वेस्टेड वीडियोज़ होती हैं और मैं सिर्फ आइडिया देने के लिए बजट बनाती हूँ। उसमें आप कम या ज़्यादा अपनी परिस्थिति के अनुसार, और आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और अपनी सैलरी के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बजट बना के देती हूँ ताकि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, मेरे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं वो रिक्वेस्ट पूरी कर पाऊँ। और मैं बहुत सोच समझ के ही बजट प्लानिंग करती हूँ। मुझे भी पता है महंगाई का दौर है और कम सैलरी में बेसिक नीड्स भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती हैं, लेकिन हाँ, बस छोटी सी एक कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं। तो मैंने आज फिर एक छोटी सी कोशिश की है, 20,000 सैलरी जिनकी होती है उनके लिए मैंने बजट प्लानिंग की है। आशा करती हूँ आपको ये बजट प्लानिंग अच्छी लगेगी, हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस हैं आप तक पहुँच पाएंगी और आप लोग मुझसे कनेक्ट रह पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने पहले से बजट प्लानिंग करके रखी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर भगवान का नाम लिखा है, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें ईश्वर का नाम ज़रूर लिखना चाहिए। तो यहाँ से हमारी बजट प्लानिंग स्टार्ट होती है, मंथली बजट प्लानिंग, और ये 20,000 सैलरी के लिए है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से प्लानिंग कर पाऊँ बजट प्लानिंग। तो मैंने इसे सबसे पहले तीन चीज़ों में डिवाइड किया है। जो हमारी मंथली बजट प्लानिंग होती है ना, उससे मैंने तीन चीज़ों में डिवाइड किया है। जैसे मंथली जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो मैंने अलग रखे हैं, वीकली एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अलग है, और डेली के जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना वो मैंने अलग रखे हैं। तो मंथली में देखिए जो एक्सपेंसेस आते हैं वो है, रेंट है, इलेक्ट्रिक बिल है, वाटर बिल है, मोबाइल रिचार्ज है, केबल कनेक्शन है, गैस है, ग्रॉसरी है, सेविंग है और हेल्थ से रिलेटेड। तो इसमें हम कुछ भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इनका जो अमाउंट होगा वो जितने का होगा उतने का ही होगा। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनमें हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये वीकली में आ जाते हैं। जैसे वेजिटेबल हो गई तो हम वीक में एक बार जाके ले आए, फ्रूट्स हो गए, स्नैक्स हो गए वीक में एक बार, बाहर का कुछ आ गया घर में, पेट्रोल हो गया तो वीकली हमें पेट्रोल भरवाना ही पड़ता है। डेली में आ जाएगा मिल्क हो गया, जैसे डेली में ही आता है ये खर्चा हमारा। और बच्चों के स्कूल के जो प्रोजेक्ट आइटम्स होते हैं, या बच्चों ने कोई चिप्स वगैरह खरीद लिए, हम थोड़ा बहुत कुछ खरीदने गए, तो ये मैंने तीन चीज़ों में इसे डिवाइड किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मंथली जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप किसी अदर सिटी में जॉब कर रहे हैं तो आपको रेंट पे रूम या घर लेना पड़ेगा, और 20,000 सैलरी के अकॉर्डिंग आप वन रूम सेट ही ले सकते हैं। इससे ज़्यादा का आप खर्चा घर के लिए कर भी नहीं सकते हैं, वो आप खुद समझ सकते हैं। तो रेंट का अगर आप वन रूम सेट भी लें नॉर्मल सा, तो उसके रेंट का आपका कम से कम 3,000 का खर्चा तो होगा ही होगा। उसके अलावा हम इलेक्ट्रिक बिल की बात कर लेते हैं। तो बिजली का बिल यहाँ पर मैंने वन मंथ का लगाया है, तो यहाँ पर मैंने 1,500 रुपये जो है बिजली के बिल पर लगाए हैं। और वाटर बिल मैंने अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, हमारे यहाँ पर 2 महीने का 210 रुपये बिल आता है, तो यहाँ पर मैंने 100 रुपीज़ 1 महीने का वाटर बिल लगाया है। फिर बात करते हैं हम मोबाइल रिचार्ज की, तो मोबाइल रिचार्ज के मैंने 400 रुपीज़ लगाए हैं। अगर 199 का प्लान भी हस्बैंड वाइफ लेते हैं ना, तो 400 रुपीज़ मोबाइल रिचार्ज के। उसके बाद केबल की बात कर लेते हैं, चाहे आप कोई सा भी केबल कनेक्शन रखते हो तो कम से कम मंथ का 300 रुपीज़ तो केबल में जाएगा ही जाएगा।
और केबल कनेक्शन के बाद हम बात कर लेते हैं गैस की। गैस मैंने 1 मंथ का यहाँ पे लगाया है। अगर 3 से 4 जनों की फैमिली है तो 350 रुपये यानी कि 350 रुपये जो हैं वो गैस के मैंने लगाए हैं, क्योंकि कम से कम 1.5 महीने तो इजीली गैस चली जाता है 3 से 4 जनों की अगर हमारी फैमिली है तो। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रॉसरी पर। ग्रॉसरी पर मैंने सब कुछ सोच समझ के, मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स होती है ना, जैसे इसमें आटा भी आ जाता है 2000 रुपये लगाए हैं, इसमें हमारा तेल भी आ जाएगा, इसमें हमारी दालें भी आ जाती हैं और हमारा घी भी आ जाता है, ये सब चीज़ें मसाले वगैरह सारी रेट्स देख के ही मैंने 2000 रुपये ग्रॉसरी के लिए लगाया है। 2000 रुपये में हमारा ईजीली ग्रॉसरी का सामान आ जाता है मंथ का। उसके बाद हम आ जाते हैं वेजिटेबल और फ्रूट पर, तो 800 रुपये आप मान लीजिए वेजिटेबल्स में, प्लस 400 रुपये आप मान लीजिए फ्रूट्स में। ये मैंने मिनिमम इसलिए लगाया है क्योंकि वेजिटेबल्स हम कभी कभी घर की भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी बेसन की कोई वेजिटेबल्स बना ली, गट्टे की सब्ज़ी बना ली, पकोड़े की सब्ज़ी बना ली, ये सब चीज़ें, छोले बना लिए घर में, छोले ग्रॉसरी में आता ही है सामान, चने की सब्ज़ी बना ली। इस वजह से मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स के 800 रुपये प्लस फ्रूट्स के 400 रुपये ऐड किए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पिछले बजट में भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि आपने वेजिटेबल्स पे कम अमाउंट रखा है, तो वेजिटेबल पे अमाउंट कम इसलिए मैंने रखा है क्योंकि हम घर की सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से मैंने वेजिटेबल और फ्रूट्स में 1200 रुपये रखे हैं। और ये मैंने 20,000 सैलरी के अकॉर्डिंग रखे हैं। और यहाँ पर अब हम मिल्क की बात कर लेते हैं, तो मिल्क 1500 रुपये में आपका ईजिली मिल्क आ जाएगा। तो 1500 रुपये मैंने हमारा मतलब मिल्क का जो बजट है ना उसके अकॉर्डिंग रखा है, तो हमारे यहाँ पर 1700 रुपये का मिल्क आता है, तो उस हिसाब से मैंने 1500 रुपये मिल्क के लगाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्नैक्स की। तो स्नैक्स जैसे कभी बच्चों का मन कर गया दोपहर के टाइम में, वीक में एक बार या दो बार, तो बाहर से कचौड़ी समोसे वगैरह कुछ भी आते हैं, तो स्नैक्स के लगा दिए मैंने 300 रुपीज़। उसके अलावा पेट्रोल है, जैसे ऑफिस हस्बैंड जाते हैं या बच्चे बस में जाते हैं आपके, या बस पास हो आपके हस्बैंड का, तो उसका मैंने लगाया है टोटल 2000 रुपये। और फिर आ जाता है स्कूल फीस की बात, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 1000 रुपीज़। 1000 रुपये से कम तो किसी भी स्कूल की फ़ीस नहीं होती, चाहे आप नॉर्मल स्कूल में भी बच्चों को कराएं तो 1000 रुपये से कम की फ़ीस हो ही नहीं सकती। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2000 रुपये फ़ीस, अदरवाइज़ आपके 1000 रुपये यहाँ पे बच जाते हैं अगर आपका सिंगल चाइल्ड है। इसके बाद हॉस्पिटल या मेडिकल, अगर हम थोड़ी सी भी हमारी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो 500 रुपये का पत्ता तो खर्च होता ही होता है, तो यहाँ पर मैंने पर मंथ हॉस्पिटल और मेडिकल का 500 रुपये लगाया। हालांकि पर मंथ नहीं होता है, फिर भी मैंने 500 रुपये इसका निकाल दिया है, 2000 स्कूल फीस का निकाल दिया है। इसके अलावा हाउस होल्ड शॉपिंग हो गई कभी, जैसे कभी मार्केट में बाहर गए कुछ लेने का मन हो गया तो 1000 रुपये, जैसे कप ग्लासेस वगैरह हो गए या घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1000 रुपीज़ लगाए हैं। इसके अलावा आउटिंग कभी आप करने जाएं या जैसे होटल चले जाएं वीक में एक बार या महीने में एक या दो बार, तो 1000 रुपये का बिल तो हमारा इजीली बन जाता है बाहर का, अगर हम खाएं या कभी घर पर भी मंगा लें तो 1000 रुपये उसका। और तो अब हम इन सब चीज़ों की का टोटल कर लेते हैं, तो अभी मैं आपको टोटल करके बताती हूँ सारा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा मतलब टोटल कर लिया है यहाँ पर। टोटल करने के बाद हमारा जो टोटल अमाउंट है वो बनता है, फ्रेंड्स मैंने सारा जो है टोटल कर लिया है, और टोटल जो हमारा अमाउंट बनता है ना वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आप लोगों को। तो हमारा अमाउंट होता है 17,150 रुपये। तो 20,000 में से हम 17,150 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा मंथली, तो हमारे पास 20,000 में से 17,150 माइनस करने पर बचता है 2,850 रुपये। तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई ये हमारी, हो गई ये सेविंग, या इन हैंड भी आप रख सकते हैं। तो ये हमारी सेविंग हो गई, और इसमें से आप मान लो 1000 रुपये की आईडी भी करा देना तो भी आपके पास 1850 रुपये
मंथली बचते हैं, सेव होते हैं, इसे आप सेव कर सकते हैं। तो 1000 रुपये हमने जैसे RD में कर दिया तो ये भी हमारी सेविंग हो गई। तो ये तो हमारा सेव फिक्स अमाउंट सेव हो ही रहा है, और ये 1850 रुपये हमारे पास जो बचते हैं हम इन हैंड भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये टोटल मेरा बजट मैंने बहुत सोच समझ के तैयार किया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके, कुछ कमी लगे तो भी बताइएगा और अच्छा लगे तो भी मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।